दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट और हर मिनट में 270 बच्चे। इस रफ्तार के साथ साल 2023 में दुनिया की आबादी 8 अरब होगी। यूं तो 19वीं सदी की शुरुआत में ही वर्ल्ड पॉपुलेशन 1 अरब हो गई थी, लेकिन इसके महज 220 सालों बाद विश्व भर में 8 अरब लोग होने जा रहे हैं। दुनिया की आबादी 2011 में 7 अरब हो गई थी। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के मौके पर जानते हैं दुनिया के 8 अरब होने के पीछे के 5 अहम कारण। आबादी की तेज रफ्तार के पीछे पहला कारण है जन्म दर का लगातार अधिक रहना। 18वीं सदी से 20वीं सदी के अंत तक जन्म दर काफी तेज थी। करीब 250 साल पहले तक एक महिला औसतन 6 बच्चों को जन्म देती थी। ये स्थिति 150 वर्षों तक बनी रही। इसमें मामूली सी गिरावट आई 1950 में। उस वक्त हर महिला औसतन 5 बच्चों को जन्म दे रही थी। 1950 के बाद से जन्म दर लगातार गिरती रही। आज दुनिया में एक महिला औसतन 2.5 बच्चों को जन्म दे रही है। दूसरा कारण, बढ़ती लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। अगर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखें तो पता चलता है कि साल 1770 में आम इंसान की मौत 28 साल में ही हो जाती थी, वही अब 72 साल में होती है। 18वीं सदी से ही पूरे विश्व में लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगातार बढ़ती आ रही है। आज 30 देश ऐसे हैं जहां लोगों की औसत उम्र 80 से ज्यादा है और 100 देशों में औसत उम्र 70 के पार है। भारत में यह आंकड़ा 69.7 है। तीसरा कारण, मृत्यु दर में लगातार कमी। मेडिकल साइंस में मिली कई कामयाबियों की वजह से अब पहले के मुकाबले मौतें काफी कम होती हैं। अगर मृत्यु दर के आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि 1950 में जहां 1000 में से 20 लोगों की मौत होती थी, वहीं अब घटकर 8 हो गई है। चौथा कारण, कॉन्ट्रासेप्शन को लेकर महिलाओं में जानकारी का अभाव। पहले महिलाओं में कॉन्ट्रासेप्शन और प्रेगनेंसी रोकने के तरीकों को लेकर काफी कम जानकारी होती थी, जिसके कारण न चाहते हुए भी ज्यादा बच्चे होते थे। एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के प्रगतिशील देशों की बात करें तो साल 1960 में मात्र 9% मैरिड कपल ही कॉन्ट्रासेप्शन का इस्तेमाल करते थे, लेकिन 1990 आते आते हर 2 में से 1 शादीशुदा जोड़े ने अनचाही प्रेगनेंसी रोकने के लिए कॉन्ट्रासेप्शन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आज कॉन्ट्रासेप्शन को लेकर महिलाएं काफी जागरूक हैं। 2015 के आंकड़ों के हिसाब से अब 64% महिलाएं कॉन्ट्रासेप्शन का इस्तेमाल करती हैं। दुनिया की आबादी 8 अरब होने में पांचवा बड़ा कारण है शिशु मृत्यु दर में भारी गिरावट आना। साल 1990 में 1000 में से 93 बच्चों की मौत होती थी, वहीं साल 2020 में ये आंकड़ा 37 तक पहुंच चुका है। ये अब तक का सबसे कम आंकड़ा है। तो ये थे 5 बड़े कारण जिनकी वजह से आज हमारी आबादी 8 अरब होने जा रही है।